हे गाइस, माय नेम इज़ विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। हमने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट की कल की क्लास में, हमने आपसे जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात कि जो भी आज इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिक्स पे, जो भी हमको आज जो फोकस करना है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिक्स को फोकस करना है, और साथ ही साथ जो हमें करना है वो प्रोविजन के हिसाब से, और हम प्री ओरिएंटेड होते हुए हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल की लास्ट की क्लासेस, जिन किसी ने भी लास्ट की क्लासेस को नहीं देखा हुआ है, वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर लास्ट की क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि वो बेस है। अगर आप उसको बेस को देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस क्लास को की अच्छी समझ के लिए आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें आपसे डिस्कस करनी है, वो हमें डेफिनेशन क्लास ही हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में हमने डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था आपसे, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइंड है। डॉक्यूमेंट के बारे में हमने आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब देखते हैं आगे कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस, ठीक है, एविडेंस को सेक्शन 3 डिफाइन करता है, और वो सेक्शन 3 कहता है एविडेंस के बारे में कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब एक मीनिंग भी दे रहा है, और साथ ही साथ एक इंक्लूसिव डेफिनेशन भी दे रहा है। और वो क्या है कि पहला क्लॉज इसका कहता है ऑल स्टेटमेंट्स। पहली चीज क्या है? स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स, केवल अपने आप में जो स्टेटमेंट है वो एविडेंस नहीं होगा। होगा क्या? विच कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाई विटनेसेस। देखो मतलब क्या कि कोई स्टेटमेंट जो कि विटनेसेस दे रहे हैं, जो कि विटनेसेस के थ्रू उसको प्रेजेंट किया जाना है, उसके लिए कोर्ट अगर उनको परमिट कर देता है, ठीक है, परमिट्स, ठीक है, इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, या इंक्वायरी का स्पेसिफिक मतलब नहीं है, इंक्वायरी का मतलब है कि प्रोसीडिंग या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि मैटर ऑफ फैक्ट, कि वो जो मैटर इन इशू था या कुछ फैक्ट्स, मतलब सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था, जो पहले आपसे डिस्कस किया था, उसमें ये कहा था कि कोई भी चीज, कोई भी इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट कहां से होती है? वो फैक्ट, किसी फैक्ट से इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट हो रहा है, और उस फैक्ट के को देते हुए एक स्टेटमेंट जो कि किसी विटनेस ने बनाया और जिसको कोर्ट ने अलाउ परमिट कर दिया, किस पर्पज में? इंक्वायरी में, मतलब इस प्रोसीडिंग के दौरान, प्रोसीडिंग और एग्जामिनेशन, दिस इज कॉल्ड एविडेंस, और इसको किस नाम से जानते हैं? ओरल एविडेंस। ठीक है, ये क्या है? ओरल एविडेंस। तो पहला जो डिफाइन कर रहा है वो क्या है? ओरल एविडेंस। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे क्लॉज पे, सेकेंड क्लॉज कहता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये ऑल डॉक्यूमेंट्स, वही जो लास्ट वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी थी, वही डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इंक्लूडिंग की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं
जो कि आपका आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2000 में जिनको कि जोड़ा गया है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स उनको इंक्लूड करते हुए किस चीज की बात करता है, रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। यहां किस चीज की बात कर रहा था, फॉर इंक्वायरी ऑफ द कोर्ट की बात कर रहा है, यहां फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट की बात कर रहा है, इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। इसके अलावा कोई भी एविडेंस नहीं होगा, मतलब कि कोई भी फैक्ट एविडेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो या तो ओरल है, और अगर वो ओरल है तो क्या होना चाहिए, उसे कोर्ट के एग्जामिनेशन या कोर्ट की इंक्वायरी, कोर्ट के प्रोसीडिंग में उसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया हो, एक चीज। दूसरी चीज कि अगर वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है तो वो कोर्ट उसको अलाउ कर देती है, किस कंडीशन के लिए, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए, ठीक है। तो क्या माना जाएगा, क्या है वो एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। अब बात हो रही है यहां किस चीज की बात हो रही है, एविडेंस की। तो अब एविडेंसेस की हम रेलिवेंसी की बात कर चुके हैं आपसे, उसकी एडमिसिबिलिटी की हम बात कर चुके हैं, अब हम आते हैं कि इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं इस मैटर को, और हम चलते हैं कि अब रेलिवेंसी के चैप्टर को हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, रेलिवेंसी का चैप्टर आपसे क्या कहना चाह रहा है और उसका पर्पस क्या है और किन किन प्रोविजन, किन किन मैटर्स को हम रेलिवेंट मानते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये तो आपके आपके एविडेंस हो गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 किस चीज की बात करता है, सेक्शन 5 कल हमने आपसे डिस्कस किया था, सेक्शन 5 बात करता है कि कौन कौन से एविडेंसेस अलाउ हैं, जिनको कि कोर्ट अलाउ कर सकता है, जिसमें कि अगर सेक्शन 5 का मार्जिनल हेडिंग हम आपसे देखें तो वो क्या कहता है, एविडेंसेस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। तो एविडेंसेस किन चीजों के दे सकते हैं, केवल फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के दिए जा सकते हैं, ठीक है, इसमें आपसे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था। फिर आते हैं आगे, इसमें आगे क्या कह रहा है, इसका मेन प्रोविजन क्या कह रहा है कि एविडेंसेस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एविडेंसेस को केवल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ही अलाउ किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं अलाउ किया जाता है, ठीक है। ऑफ the existence and non-existence of every fact in issue, किसकी बात कर रहा है कि existence and non-existence of any every fact in issue, ठीक है, कि क्या कोई fact in issue exist कर रहा है, उसका evidence दिया जा सकता है। दूसरा and of such other facts as are herein after declared to be relevant। तो ये जो हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट है, ये कह रहा है कि जो 6 से लेके 55 तक जो भी प्रोविजन, जो भी क्लॉज बनाए गए हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है किसकी तरह से, एज अ रेलिवेंट फैक्ट, उनकी तरह उनको इंक्लूड करते हुए बात कर रहा है, उनकी बात कर रहा है। और इसके अलावा क्या कह रहा है, ऑफ नो अदर्स, ऑफ नो अदर्स, इसका मतलब है कि इसके अलावा किसी का भी, मतलब इसके अलावा कोई भी फैक्ट रेलिवेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब इंडिया में लीगल रेलिवेंसी की बात कर रहा है, यहां लॉजिकल की बात नहीं कर रहा है, कितने भी फैक्ट हो सकते हैं कि जो कि लॉजिकली इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन उनको कोर्ट अलाउ जब तक नहीं करती है एज अ एविडेंस, तब तक उनका एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। दिया कब जा सकता है, या तो वो 5 to 55 में फॉल करें, या तो वो रेलिवेंट हो, या फैक्ट इन इशू हो अपने आप में। तो ये बातें हमें आपसे डिस्कस करनी थी सेक्शन 5 के बारे में, ठीक है। सेक्शन 5 मूव होने से पहले हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं प्रिजम्पशन के बारे में, प्रिजम्पशन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 ऑफ एक्ट क्या कहता है, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशंस। अब ये प्रिजम्पशंस हैं क्या, एग्जैक्टली प्रिजम्पशंस क्या है,
प्रिजम्पशंस को अगर एक तरह से हम माने तो ये प्रूफ का सब्स्टिट्यूट है कि मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको कि कंसीडर कर लिया जाता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कब, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कुछ ऐसे फैक्ट कोर्ट के सामने आते हैं जिनको कि कोर्ट अपने आप से प्रिज्यूम कर लेता है। अब जब प्रिजम्पशन हो जाता है किसी फैक्ट का तो वो क्या होता है, एक ऐसा कंसिडरेशन बनाता है जिसको कि दूसरे पार्टी के ऊपर ओनस जाता है कि उसको रिबट करे, और अगर दूसरा पार्टी उसको रिबट नहीं कर पाता है तो प्रिजम्पशन क्या मान लिया जाता है, या तो वो कंक्लूसिव हो जाएगा या अनरिबट। कुछ अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं क्या होते हैं प्रिजम्पशंस, तो उसकी बात हम करते हैं। तो उनको क्या मान लिया जाएगा, या तो वो कंक्लूसिव मान लिया जाएगा उस फैक्ट के लिए, या उनको रिबट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रिजम्पशंस क्या क्या हो सकते हैं, प्रिजम्पशन होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिज्यूम की बात कर रहा है। मैं प्रिज्यूम मतलब यहां मैं प्रिज्यूम, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ये डेफिनेशन दी हुई आपकी कहां, सेक्शन 4 में। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऐसे कि डेफिनेशन में कह रहा है कि व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है, पहली चीज कहां से स्टार्ट हो रही है, प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। मतलब कि जो भी मैं प्रिज्यूम में फॉल करेगा प्रोविजन वो क्या होगा, पहले से ही इस एक्ट में प्रोवाइडेड किया हुआ है। मतलब इस एक्ट में पहले से ही स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया, तो दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का क्या, एक सर्टिफिकेट। जब तक वो इस एक्ट में प्रॉपरली मेंशन नहीं है, को एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, तब तक इसको क्या माना जाएगा, ये प्रिजम्पशन ऑफ मे नहीं हो सकता। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट। यहां क्या कह रहा है, प्रिजम्पशन कौन करता है, सबसे पहली चीज आई कि कोर्ट क्या करता है, किसी मैटर को प्रिज्यूम करता है। ठीक है, प्रिजम्पशन को मैंने अभी आपको डिफाइन कर रहा था, तो मैं आपको बताया था क्या कि प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि किसी प्रूफ का सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी फैक्ट को कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल में आपने हमेशा एक मैक्सिम टॉट्स, लॉ ऑफ टॉट्स में एक मैक्सिम आपने सुनी होगी, रेस एप्सा लोकेटर। इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ, घटनाएं स्वयं बोलती हैं। ठीक है, अब घटनाएं स्वयं बोलती हैं, कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हैं उनको देखते हुए कोर्ट इस चीज को प्रिज्यूम कर सकती है कि क्या है, कि वो घटनाएं स्वयं बोल रही हैं, कि वो सिचुएशंस क्या रही हैं। तीन चीज को कोर्ट क्या कर सकती है, प्रिज्यूम कर सकती है। ठीक है, अब इसके आगे कह रहा है किस चीज की बात कर रहा है, कह रहा है इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। क्या करेगा कि कोर्ट इस चीज को मान लेगा कि कुछ वो चीजें प्रूव हो चुकी हैं, वो फैक्ट क्या हो चुके हैं, वो प्रूव हो चुके हैं। दूसरी चीज क्या कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, मतलब इसका डिसप्रूव किया जाना, मतलब इसको रिबट किया जा सकता है। तो पहली चीज जो मैंने आपको यहां बताई वो क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात कर रहा है कि डिसप्रूव की बात कर रहा है, मतलब रिबटेबल है, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। ठीक है, इसका रिबट किया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरी अब इसके बाद क्या है कि और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट,
मतलब कोर्ट में कॉल फॉर अनदर प्रूफ ऑफ इट, कुछ और एविडेंसेस कोर्ट कहेगा कि कुछ और एविडेंसेस आप प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। पहला कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है ये, दूसरा रिबटेबल प्रिजम्पशन है। रिबटेबल प्रिजम्पशन क्या है कि जिसको कि आप डिसप्रूव कर सकते हो, जिसको कि आप रिबट किया जा सकता है, कि कोर्ट के सामने उसको एविडेंसेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, रिबट कर सकते हो। तीसरा क्या कह रहा है, कोर्ट में कॉल फॉर एनदर प्रूफ, ठीक है। कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा एविडेंसेस मंगा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। इसको प्रिजम्पशियो होमिनस भी कहते हैं, प्रिजम्पशियो होमिनस, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, दूसरा है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम क्या होता है, शैल प्रिज्यूम का मतलब है एक शैल मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, जो कि जैसे मे प्रिज्यूम में दिया था कि प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट, तो शैल प्रिज्यूम स्टार्ट होता है व्हेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट। मतलब यहां सबसे पहली चीज होती है कि एक्ट ने किसी चीज को डायरेक्ट किया है, वो डायरेक्ट किसको किया है, कोर्ट को, कुछ मैटर्स के लिए, कुछ कंसिडरेशंस के लिए, कुछ फैक्ट्स के लिए, कुछ एविडेंसेस के लिए, क्या कि अगर वो फैक्ट एंड एविडेंसेस एग्जिस्ट हो रहे हैं तब कोर्ट उनको क्या करेगा, प्रिज्यूम कर लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। और उसके साथ साथ ये क्या है, रिबटेबल है, ये भी रिबटेबल प्रिजम्पशन है, ये भी रिबट किया जा सकता है। पहला प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, दूसरा रिबटेबल प्रिजम्पशन है, इसको क्या कहते हैं, प्रिजम्पशियो जूरिस। प्रिजम्पशियो जूरिस, फैक्ट को क्या कहते थे, प्रिजम्पशियो होमिनस, इसको क्या कहते हैं, प्रिजम्पशियो जूरिस, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि पहला तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, दूसरा रिबटेबल प्रिजम्पशन है, तीसरा प्रिजम्पशियो जूरिस बोलते हैं इसको। अब इसको हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि व्हेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द फैक्ट, कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, यहाँ कोर्ट के पास एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है क्या कि उस फैक्ट को वो प्रिज्यूम करे, और कॉमा दिया हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज अ प्रूव्ड, उसको कैसे प्रोड्यूस करे, उसको कैसे कंसिडर करे कोर्ट, इसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट उसको एज अ प्रूव्ड फैक्ट की तरह कंसिडर करेगा, कब तक, जब तक कि उसको डिसप्रूव ना कर दिया गया हो। तो मतलब इस फैक्ट को डिसप्रूव करने की बात हो रही है कि मतलब ये रिबट भी किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरे प्रिजम्पशन पे आते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ। अब ये क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ का की जो स्टार्टिंग है वो क्या कहती है कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, क्या कह रहा है, डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, अगर एक फैक्ट को कोर्ट में या इस एक्ट में डिक्लेयर कर दिया गया पहले से, मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अभी मैं तीनों के एग्जांपल अलग अलग करके आपको बताता हूं, पहले आप समझिएगा।
पहले आप इनके फैक्चुअल चीज़ों को जान लीजिए, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आपको इधर इधर मेंशन कर रहा हूँ, ये सारी बातें आपके प्री के एग्जामिनेशन में पूछता है, और ये भी आपको डिक्लेयर्ड बाई भी पूछ सकता है, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ दिया हुआ है, ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये सब किसकी बात कर रहे हैं, आपके प्री के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। ये सारी सब चीज़ें आपके प्री के एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आप इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसको भी क्या कहते हैं, दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, लेकिन ये क्या है, इररिबेटेबल है, इररिबेटेबल है, इसको रिबट नहीं किया जा सकता, मतलब कि कोर्ट इसको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रूफ अलाउ नहीं कर सकता। किस पर्पस के लिए, कि इसको डिसप्रूव कर दो, ठीक है। कोर्ट कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अलाउ नहीं कर सकता इनको रिबट करने के लिए, ठीक है, इनको डिसप्रूव करने के लिए। और इसको भी कहते हैं प्रिजम्पशियो जूरिस। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम आपको एग्जांपल बताएं कि ये क्या हो सकते हैं, ये क्या है, सबसे पहले हम इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको प्रॉपर तरीके से हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज इसमें जो आती है वो है कि एक चीज समझिए आप, कि अगर सपोज 2+2 अब कितना होगा, 4। अगर ये दोनों बातें प्रूव कर ली गई तो कितना होगा, 4 ही होगा, कुछ भी कर दो वो कितना होगा, 4 ही होगा। मतलब एक फैक्ट का एग्जिस्टेंस, एक फैक्ट का एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया आपने, फिर किसी दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को भी प्रूव कर दिया, अब वो निकल के जो सामने आएगा वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल है सेक्शन 112 बात करता है लेजिटमेसी ऑफ पैटर्निटी की, ठीक है, लेजिटमेट पैटर्निटी की बात करता है, ठीक है। इस पैटर्निटी में क्या होता है कि अगर अगर कोई लॉफुल लॉफुली मैरिड जो भी कपल हैं, ठीक है, अगर 280 उनकी लॉफुल मैरिज, उनकी लॉफुल वेडलॉक को अगर प्रूव कर दिया जाए, अगर उनके लॉफुल वेडलॉक को प्रूव कर दिया जाए और साथ ही साथ 280 डेज का कंसीवमेंट का पीरियड, कि प्रेगनेंसी का पीरियड अगर 280 डेज का प्रूव कर दिया जाए, तो ये क्या माना जाएगा, ये दोनों कंक्लूसिवली किस फैक्ट को डिटरमाइन करेंगे, वो प्रूव करेंगे इस फैक्ट को कि ये जो बच्चा होगा, ये जो चाइल्ड पैदा होगा वो किसका होगा, इन्हीं इन्हीं जो जो उस मदर का उस टाइम पे हस्बैंड रहा होगा, ठीक है, उसका ही ये चाइल्ड होगा, दिस इज कॉल्ड कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो ये कंक्लूसिव माना जाएगा, ये दोनों फैक्ट क्या होंगे, उस बच्चे की पैटर्निटी के कंक्लूसिव फैक्ट हो जाएंगे। तो एक का डिटर्मिनेशन, एक फैक्ट का डिटर्मिनेशन और दूसरे फैक्ट का डिटर्मिनेशन एक नया फैक्ट दे रहा है, जिसे हम कहेंगे कि कंक्लूसिव प्रूफ। कोर्ट इसमें एक्स्ट्रा एविडेंसेज अलाउ नहीं कर सकती, दिस इज कॉल्ड कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। अब शैल प्रिज्यूम के केसेस में क्या होता है, शैल प्रिज्यूम के केसेस में ये सिचुएशन अराइज होती है कि जब कभी भी कोर्ट के सामने ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई हैं, ये चीज़ें लिख दी गई हैं, मतलब ये चीज़ें पहले से ही डायरेक्ट कर दी गई हैं कोर्ट के सामने, क्या कि ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस अराइज होंगी तो कोर्ट उनको प्रिज्यूम ही कर लेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक फैक्ट आता है कि जहाँ किसी महिला के साथ रेप हुआ होता है और उस महिला की कंसेंट है या नहीं है, अगर उसने कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी एफआईआर लॉज कराई है, कोई भी कंप्लेंट फाइल करी है, तो कोर्ट ये मान लेगा, इस फैक्ट को मान के बैठ जाएगा, क्या कि कोई भी कंसेंट उसकी प्रायर कंसेंट नहीं थी महिला की, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है वो अपने आप में एक कंक्लूसिव प्रूफ दे रहा है, ठीक है। तो कंक्लूसिव प्रूफ
सॉरी अपने आप में क्या दे रहा है, एक प्रिजम्पशन दे रहा है जिसे हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं, और उसे हम रिबट करा सकते हैं, वो रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये सारे जो प्रोविजंस हैं आपके प्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, तो आप इनके इनकी एक लिस्ट भी है जिसमें कि वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसमें कि ये किया गया है, तो मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूँ। इसको हटाना पड़ेगा हमें। देखिए, मे प्रिज्यूम जो है, मे प्रिज्यूम के लिए जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हैं आपके 86, 87, 88, 90 और 114। रेसेप्शन लोकेटर इसी में फॉल करता है, 114 में। ठीक है, और 118। ठीक, अब आते हैं दूसरा, शैल प्रिज्यूम। ठीक है, इसमें इसमें जो फॉल करते हैं वो फॉल करते हैं 79, 80, 83, 85, 104, 105, 107, 108 एंड 114A। ठीक है, और स्पेशली दो प्रोविजन को हमने आपसे अभी बताया नहीं है क्योंकि वो प्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है 113A जो कि मे के फॉर्म में होता है, और 113B जो कि शैल के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके बाद है, अब हम आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ की। कंक्लूसिव प्रूफ में कौन कौन से हैं सेक्शंस? सबसे पहले तो सेक्शन 41 है, फिर कौन सा है, 112 है। ठीक है, और कौन कौन से हैं इनके प्रोविजंस हो सकते हैं आपके, 115, 116, 117। ठीक है, ये स्टॉपल के रिगार्डिंग प्रोविजन है, पैटर्निटी के रिगार्डिंग प्रोविजन है, ये रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन है। ठीक है, अभी हम ये तो आप अपने प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। ठीक है, अब हमारा ये हमने जो आपसे डिस्कस किया अभी तक, वो हमने डेफिनेशन क्लॉज कर ली, हमने आपसे प्रिजम्पशन डिस्कस कर लिया, अब रेलिवेंसी हमने डिस्कस कर ली, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट डिस्कस कर लिया, फिर किन एविडेंसेस को अलाउ किया जा सकता है वो आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कौन कौन से वो फैक्ट्स हैं जिनको कि हम रेलिवेंट मानते हैं। ठीक है, जो कि हम रेलिवेंट मानते हैं वो कौन कौन से फैक्ट हैं। पहली चीज, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 किस चीज की बात करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे की बात करता है। रेस जेस्टे, इसका मतलब होता है थिंग्स इन द सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब, एक हम आपको एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस बताते हैं। सपोज एक घटना हो रही है, एक घटना के बारे में आपसे बताते हैं, ये कोई रोड है, ये हाईवे है, यहाँ गाड़ियां चलती रहती हैं, एक आदमी कोई यहां बैठा हुआ है, ये आदमी इसने क्या किया, इसने एक चाइल्ड को भागते हुए देखा। एक चाइल्ड क्या कर रहा है, यहां से एक पगडंडी है छोटी सी जिससे भागते हुए जा रहा है, ये चाइल्ड यहां बैठ के देख रहा है उस सारी घटना को। तब तक क्या होता है, इसी में से किसी ट्रक में एक इस चाइल्ड की का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए,
घटना का ये जो ट्रांजेक्शन है, सेम ट्रांजेक्शन है, इनको हम देखते हैं कैसे हम इनको एनालाइज करते हैं। पहली चीज, सेम ट्रांजेक्शन में और क्या हम देख सकते हैं कि ये जो इंसान है जो यहाँ बैठा हुआ है, इसने किन घटनाओं को किस तरह से डिस्क्राइब किया। ठीक है, पहली चीज इसका यहाँ बैठा होना जो कि रेलिवेंट होगा, इसका यहाँ से भागते हुए जाना, सेम टाइम पे इसकी टाइमिंग चेक होती है। ठीक है, दूसरी चीज चेक क्या होता है, स्थान मतलब प्लेस चेक किया जाता है। तीसरा, उस एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक किया जाता है। और चौथी चीज जो है, पर्पस को चेक किया जाता है। तो रेस जेस्टे डॉक्ट्रिन का जो टेस्ट लेट डाउन किया जाते हैं, वो चार चीजें हमें चेक करनी होती है। पहली, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, दूसरा प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, तीसरा कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, एंड फोर्थ इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, एंड फोर्थ इज यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, ये चार चीजें हैं जिनको कि हम रेस जेस्टे में चेक करते हैं। तो पहली चीज हम इसी फैक्ट में हम चेक कर लेते हैं, गाड़ियों का यहां से आना जाना, इस बच्चे का यहां से भागता हुआ जाना, किस चीज की बात कर रहा है, टाइम और प्लेस की बात कर रहा है। पहला कि एक प्रॉक्सिमेट रिलेशन है इसके यहां से भागने में, इधर से इसके भागने, गाड़ियों के चलने में एक प्रॉक्सिमेट रिलेशन है, एक स्थान पे है, और एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्शन है, और पर्पस क्या है कि एक घटना घटित हुई है। उस घटना का एक ही सेंस निकल रहा है कि ये घटना घटित हो सकती है, मतलब ये जो चेन है, ये घटनाओं की जो चेन है, इनको ये प्रॉपर तरीके से, कोजेंट तरीके से एस्टैब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेड डॉक्ट्रिन है, ये ब्रिटिश लॉ की डॉक्ट्रिन है, जिसमें कि ये कहता है कि कोई भी घटना जो कि एक सीक्वेंस में होती जा रही है, वो घटना कभी झूठ नहीं बोलती, घटनाएं कभी झूठ नहीं बोलती, और जब घटनाएं झूठ नहीं बोलती तो उन कड़ियों को अगर एक जोड़ा जाए तो घटनाएं क्या होती हैं, वो प्रूव हो जाती हैं। तो रेस जेस्टे डॉक्ट्रिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हियरसे एविडेंसेस का एक्सेप्शन भी है। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ें हम बताते हैं, ये सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है, आप इसको हमेशा प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और एक इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का बेस्ट एग्जांपल बोलते हैं, कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का बेस्ट एग्जांपल है। फिर इसके बाद हम आते हैं, इसी में एक केस आया था शरद वृद्धिचंद शारदा का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस पे, जिसमें कि कई चीज़ों को एक बताया गया था, पंचशील सिद्धांत बोला जाता है इसको, पंचशील डॉक्ट्रिन आई थी इसी में, जिसमें कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को डिफाइन किया गया था। उसमें कहा गया था कि जितनी भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जितनी भी घटनाएं हैं, सबको सेम एक ही संव्यवहार में किया जाना चाहिए, एक घटनाओं का संव्यवहार होना चाहिए, और संव्यवहार के साथ साथ क्या होना चाहिए, उन घटनाओं के जो कड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, कोई तीसरी कड़ी उसमें, कोई तीसरा टैम्परिंग उस कड़ियों को करने वाला कोई फैक्ट नहीं होना चाहिए। और जब ये सारी बातें कोजेंटली प्रूव हो जाती हैं तो उस संव्यवहार को प्रूव माना जाता है। ठीक है, तो प्री के लिए आप इन सारी बातों को आप इसमें ध्यान रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं उसको पढ़ता हूँ, प्रोविजन क्या कहता है कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, मतलब कोई रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट है जो कि पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, एक सेम ट्रांजेक्शन की, एक घटना के क्रम की बात कर रहा है जो फॉर्म कर रहा है। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, द फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, पहली चीज कि वो घटना जो है वो इशू में नहीं होनी चाहिए, वो इशू नहीं होनी चाहिए, बट कि क्या होना चाहिए, बट आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, वो घटना खुद से ही फैक्ट इन इशू ना होके एक कनेक्शन बनाती है किसके साथ, फैक्ट इन इशू के, मतलब इस घटना में फैक्ट इन इशू क्या है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या यहां ये चीज को चैलेंज किया जा रहा है कि क्या घटना घटित हुई है, नहीं,
ये सेम ट्रांजेक्शन को अगर लिंक किया जाए तो क्या प्रूव होगा, ये कि फैक्ट इन इशू प्रूव कर दिया जाएगा। मतलब यहां फैक्ट इन इशू को सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के थ्रू प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। यहाँ कह रहा है कि इस ये जो प्रॉक्सिमेट रिलेशन ऑफ द टाइम एंड प्लेस की बात कर रहा है उसमें उसमें ऐसा भी ये जरूरी नहीं है कि सेम टाइम एंड प्लेस पे ही होना चाहिए, बट बल्कि एक यूनिटी ऑफ पर्पस से उनको इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, रेस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्ट है, ठीक है। और ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हम आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं ये हम आपके प्री के पर्पजेस के लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम अभी ज़्यादा डेप्थ में ना जाके हम आपको एक क्रैश कोर्स का कवर कराते हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं और इनको अभी हमें क्या करना है, डील करना है, क्योंकि आप आपको सफिशिएंट मटेरियल आपके सामने हो एग्ज़ाम से पहले, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ केस के लिस्ट जो होगी वो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा, एक आपको केस की लिस्ट दे दूँगा प्री के पर्पज से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अभी केस के लिए पैनिक मत होइएगा। हाँ, केसेस को यही सारी बातें केसेस में भी आती हैं, लेकिन हाँ थोड़े से चेंजेस आते हैं, तो उनको हम उसी टाइम पे आपसे हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोविज़न क्या है, बात कर सेक्शन सेवन, ठीक है। सेक्शन सेवन जिसको कि हम कहते हैं कि ये प्रोविजन जो है वो इंडक्शन बेस्ड है, मतलब एक संवेदना पे बेस्ड है, एक फीलिंग पे बेस्ड है, जिसको कि हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ रहा होगा, एक सिचुएशन पे बेस्ड है, ठीक है, जिसको हम कयास लगाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो पहली चीज कह रहा है ओकेजन, दूसरी चीज कह रहा है कॉज, एंड तीसरी चीज कह रहा है इफेक्ट। तीन चीजों की बात कर रहा है, ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट। ओकेजन क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आपको अवसर मिला। अवसर कैसे होता है कि आप घर से निकले, आपके हाथ में एक बैग था, थैला, और थैले में आपने पैसे ले रखे थे, और वो थैला जैसे ही आपको आप लेके निकलते हैं, सामने वाले को शक हो जाता है कि आपके इस बैग में पैसे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस थैल उस जो सामने वाला है उसको एक ओकेजन पैदा कर दिया, उसके लिए एक ओकेजन दे दिया, क्या कि वो चोरी कर ले। अगर वो ओकेजन को एक्सरसाइज कर लेगा तो हम कहेंगे कि ही हैज कार्व्ड आउट हिज अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी भी इसी प्रोविजन में आती है। तो यहाँ जो सिचुएशन है वो क्या, ओकेजन यहाँ रेलिवेंट होता है, ओकेजन जो खुद से निकलता है, एक एक ऐसे सर्कमस्टांसेस से हम उसको प्रिज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, एक रिलेशन देता है, एक थिन सा रिलेशन देता है जो कि घटना के होने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ओकेजन। और कॉज क्या है, कॉज का मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अब उसने आपको क्यों मारा, क्योंकि आपने भी उसको मारा होगा। तो कॉज का मतलब होता है समथिंग इमीडिएट, कारण होता है ना किसी चीज के करने का कारण, तो कारण का मतलब होता है कोई कोई चीज जो कि तुरंत घटित हुई हो, इमीडिएट हो, तो कॉज होता है वो। और इफेक्ट का मतलब होता है कि मान लो कोई जा रहा है, बारिश का टाइम है और उसके फुटप्रिंट्स जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, कहाँ, वो मिट्टी में, वो गीली वाली मिट्टी में उसके फूट प्रिंट पड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि उसके चलने के माध्यम में उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उसके फूट प्रिंट पड़ गए। सपोज किसी का मर्डर होता है,
मर्डर के दौरान क्या होता है, किसी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली लगती है तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, कहीं उसके स्टेन पड़े होंगे, ब्लड स्टेन पड़े होंगे वॉल पे कहीं और। तो ये क्या है, उसका इफेक्ट है, उस घटना का इफेक्ट क्या निकल के आया, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि द फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज, मतलब तुरंत का घटित होने का, तुरंत का इमीडिएट या कभी और का, ठीक है, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, किसकी बात कर रहा है यहाँ, फैक्ट इन इशू की बात नहीं कर रहा है यहाँ, रेलिवेंट फैक्ट का मतलब सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात कर रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 तीनों का पार्ट है, तीनों को हम ज्वाइंटली उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, एक सर्कमस्टांसिस के क्रिएट होने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट ऑफ थिंग, ठीक है। तो पहली चीज जो इसने कहा कि रेलिवेंट फैक्ट की, तो जो पहला जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे का पार्ट है वो कह रहा है कि सर्कमस्टांसिस को ऐसा होना चाहिए जो ओकेजन कॉज और इफेक्ट शो करें। दूसरा कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि या ये ओकेजन कॉज और इफेक्ट किसी चीज को, किस चीज को प्रूव करें, पहले किस चीज को, रेलिवेंट फैक्ट को, दूसरा फैक्ट इन इशू को खुद से प्रूव कर रहे हो, और तीसरा और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपेंड, मतलब एक ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं वो, ये तीनों मिल, तीनों क्या कि जिसमें कि उस घटना के होने की बात कही गई हो, उन सर्कमस्टांसेस जिसमें वो घटना घटित हुई हो, ठीक है, हैपन और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन, मतलब जो कि वो घटना जो कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है जिससे कि वो घटना घटित हो सके। तो यहाँ रेलिवेंसी किस बात की हो रही है, इस ओकेजन की, कॉज की और इफेक्ट की, तो सेक्शन 7 इन तीनों पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम आपका सेक्शन 8। सेक्शन 8 किस चीज की बात कर रहा है, यहां क्या क्या रेलिवेंट है, ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछते रहते हैं कि किन किन चीजों की बात कर रहा है, सेक्शन 7 किस चीज की बात कर रहा है, ओकेजन क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, इन सबको प्री में आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो ये झारखंड में आपसे पूछ सकता है इस बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 8, सेक्शन 8 किस चीज की बात कर रहा है, सबसे पहले बात कर रहा है मोटिव की, प्रिपरेशन की, और फिर उसके बाद कर रहा है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की। चलिए मोटिव क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ए ने बी को, बी का मर्डर क्यों किया, मैं आपसे पूछता हूं कि ए ने बी का मर्डर क्यों किया, ठीक है, तो उसका उधर से एग्जांपल रिप्लाई आता है क्या कि क्योंकि वो उससे जेलस करता था। तो यहां मोटिव क्या है उसका, जेलस, वो जलता था। दूसरी चीज, ए उससे जेलस क्यों फील कर रहा है, क्योंकि वो उससे कमजोर है, तो जेलस फील करने का मोटिव क्या है कि वो उसका कमजोर होना, ठीक है। तो अगर किसी घटना में आप पूछते हो क्यों लगाते हो, एक क्वेश्चन लगाते हो क्यों उसने ऐसा क्यों किया, तो निकल के आता है क्या कि उसका मोटिव क्या था उसके पीछे का, ठीक है, मोटिव। दूसरा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन का मतलब है टू क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर कमीशन ऑफ एनी एक्ट, किसी एक्ट के कमीशन के लिए कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करना, जैसे कि आप जाते हो शॉप पे पॉइजन खरीदते हो, किसी को मर्डर करना है आपको तो जाते हो तो पॉइजन खरीदते हो, पॉइजन को ले आओगे, छुपा के ले आओगे, रखोगे अपने घर पे, फिर लास्ट एक्ट जो होगा वो एक्सरसाइज होगा। तो लास्ट एक्ट से पहले के जो एक्ट्स होते हैं वो प्रिपरेशन होते हैं, तो प्रिपरेशन जो है वो भी रेलिवेंट होता है, कहाँ, सेक्शन 8 में। और तीसरी चीज कह रहा है कि कंडक्ट,
कंडक्ट की बात कर रहा है। ये कंडक्ट क्या है कि उस किसी भी घटना है, कोई एक सपोज एक घटना है जो कि यहाँ इंसिडेंट ने टेक प्लेस लिया, ठीक है, मतलब ए की कार यहाँ से निकलती है, यहाँ किसी को एक्सीडेंट करती है और फिर यहाँ से जाती है और इधर से घूम के चली आती है, बीच में यहाँ किसी और का एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ इसने सिग्नल तोड़ दिया, कोई एक रास्ता और जा रहा था वहाँ उसने सिग्नल तोड़ दिया, उससे पहले यहाँ ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है, यहाँ दिख रहा है कि ये घटना ये कोई कार यहाँ से पास हो रही है। देखिए तो ये जो घटना है, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, यहाँ से इन तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तब तो सेक्शन 6 में फॉल होगा। लेकिन जब इस घटना की बात ना होते हुए किन दोनों की बात हो रही है, इसके पहले क्या उसका जेस्चर रहा है, उस किसका, उस आदमी का जो कि इंसिडेंट करने वाला है, ठीक है, या कोई और, अभी मैं बताता हूँ किन किन के मोटिव या किन किन के प्रिपरेशन और ये कंडक्ट इनके रेलिवेंट होते हैं, मैं अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको हम कहते हैं ये प्रीवियस कंडक्ट है और ये है सबसीक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। तो घटना के होने के पहले की जो सिचुएशन है वो क्या है, वो एक संव्यवहार बना रही है, एक ट्रांजेक्शन बना रही है जो कि प्रीवियस कंडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा कि घटना होने के बाद, तो ये सबसीक्वेंट फॉर्म में है, ये दोनों रेलिवेंट होती हैं। लेकिन इसके पीछे अब इसको मैं एक बार प्रोविजन पढ़ता हूँ तो आपको ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे हम, ठीक है। कह रहा है कि एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव, मतलब कोई फैक्ट जो कि या तो शो करता है, मतलब फैक्ट अपने आप में ही कोई मोटिव को शो कर रहा है कि उसने उसको क्यों मारा, क्योंकि वो उससे जेलस करता था, पहली चीज। दूसरा कॉन्स्टिट्यूट्स मोटिव, कि उसने विल जो है, वसीयत जो है, किसी दूसरे के नाम पे कर दी है, वसीयत क्या करा है, दूसरे के नाम पे कर दी है, जिसको कि प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो अब ये घटना जो है, ये इवेंट जो है, वो किस बात की कर रहा है, एक मोटिव को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जो मोटिव रेलिवेंट है कहां, सेक्शन 8 में, ठीक है। और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू, किसकी बात कर रहा है, किसी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के किसी प्रिपरेशन की बात कर रहा है। तो ये दोनों तो यहां रेलिवेंट हो गए। तीसरी बात कर रहा है यहां कंडक्ट की, किसके कंडक्ट की बात हो रही है, पहले तो एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के कंडक्ट की, मतलब चाहे वो अक्यूज्ड हो चाहे वो विक्टिम हो, दोनों हो सकते हैं। दूसरी चीज, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, ये भी दोनों हो सकते हैं, ठीक। पार्टी और एनी एजेंट, ये एजेंट कौन है, एजेंट जो कि लीगली ऑथराइज्ड है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। टू एनी पार्टी, टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी इन इशू देयर इन और रेलिवेंट देयर टू, मतलब कोई भी फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग या किसी रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग, अगर कोई भी किसी व्यक्ति का कोई कंडक्ट है तो वो रेलिवेंट होगा, चाहे वो जो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल के तौर पे भी है कि जो स्टेटमेंट है वो उसको कंडक्ट के कैसा होना चाहिए, कॉरब रिलेटेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट, ठीक है, If such conduct influences or influenced by any fact in issue or relevant fact, मतलब कि कोई भी conduct जब वो या तो directly fact in issue या relevant fact को affect कर रहा हो, influence कर रहा हो, या influenced by that conduct हो, मतलब influenced by any fact in issue हो, तो कोई fact in issue खुद से ही क्या कर रहा है, push कर रहा हो किसी incident को, ठीक है, किसी जेस्चर को, किसी कंडक्ट को, तो ऐसी कंडीशन में वो माना जाएगा कि वो भी रेलिवेंट है सेक्शन 8 में, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, उस बात को हम पूरा करते हैं, ठीक है। कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दोज स्टेटमेंट अकंपनी
एंड एक्सप्लेन द एक्ट अदर देन स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, ऐसे समझिए आप, स्टेटमेंट है और मेरा जेस्चर है। जैसे मैं दौड़ता हुआ आता हूँ आपके पास, हंसता हुआ कहता हूँ अरे मेरी तो चोरी हो गई, मुझे तो लूट लिया गया रास्ते में, मुस्कुराते हुए, क्या ये मेरा स्टेटमेंट, मेरे जेस्चर को, मेरे कंडक्ट को क्या कर रहा है, अकंपनी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? नहीं। तो जब मेरा जेस्चर जो है, मेरा जो स्टेटमेंट है वो मेरी मेरा जो स्टेटमेंट है वो मेरे जेस्चर को जब अकंपनी करे तभी यहाँ रेलिवेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन कई बार आपसे पूछता भी है एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइएगा इस पर आप। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन अगर कहीं किसी दूसरे प्रोविजन में कोई रेलिवेंट बात, इस बात का कोई रेलिवेंट फैक्टर बना दिया गया है तो उसको ये हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर वहाँ कोई ये कह दिया जाए कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रेलिवेंट माना जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में अभी हमको ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग द अफेक्ट विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। यहाँ कह रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट मेड टू हिम, उसके लिए बनाई गई है, कोई स्टेटमेंट उसके लिए किया गया हो और इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में हो, एंड हियरिंग, और उसकी हियरिंग में हो, तो ऐसी कंडीशन में वो फैक्ट जो होते हैं वो किसी कंडक्ट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जो सपोर्ट करेंगे तो वो रेलिवेंट माना जाएगा तो सेक्शन 8 में। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है कि सेक्शन 8 में क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट हैं। ठीक है, तो आप कंडक्ट बता सकते हैं, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कि किन किन चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो किसी फैक्ट्स को क्या बंद करते हैं, या तो एक्सप्लेन करते हों, या इंट्रोड्यूस करते हों, या उसके साथ क्या कर सकते हैं, या तो सपोर्ट करते हों या रिवर्ट करते हों। तीसरी बात क्या कह रहा है, या तो वो उनकी आइडेंटिटी को शो करते हों। ठीक है, जिसमें हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी कराते हैं, TIP भी होती है। ठीक है, या किसी टाइम की बात करते हो, या किसी प्लेस के रिलेशन की बात करते हो। और पाँचवीं बात जो इसमें बोलता है, वो कहता है कि वो किस चीज़ की, किसी रिलेशन की बात करता है। टाइम और प्लेस, रिलेशन, कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है वो, इंट्रोड्यूस कर रहा है उस चीज़ की बात कर रहा है। तीसरी चीज़ और क्या कर रहा है कि रिबट कर रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है, और TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो इतनी चीज़ें यहाँ रेलिवेंट होती हैं। तो TIP के बारे में आपको पता है कि TIP को एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है, एक कोराबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। इसमें आपको क्या जानना होता है, इसमें क्या होता है कि जब कभी भी किसी इंसिडेंट के बारे में कोई, किसी ने डायरेक्ट देखा है, उस घटना को देखा है और उसके दिमाग में वो चीज़ें हैं क्या, कि ये घटना के घटित होने में ये सो एंड सो पर्सन इन्वॉल्व था या सो एंड सो थिंग इन्वॉल्व थी, तो उनको आइडेंटिफाई करता है कब, जबकि वो कोर्ट के सामने उनका परेड कराया जाता है। ठीक है, तो TIP किसके सामने की जा सकती है, पुलिस के सामने TIP की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, बट उनकी रेलिवेंसी नहीं होती। रेलिवेंसी क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी हम जब आपसे CRPC डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि 162 जो होता है आपका, सेक्शन 162 वो कहता है, वो हिट करता है आपके TIP को, इसलिए यहाँ अलाउ नहीं की जाती है। इनका क्या कहते हैं, एविडेंसरी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, किसी आदमी के सामने भी, किसी पर्सन के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने आप TIP करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 किस चीज़ की बात करता है, सेक्शन 10 बात करता है रेलिवेंसी की। रेलिवेंसी ऑफ किस चीज़ की, कॉन्स्पिरेसी की। अगर सपोज कि दो लोग हैं, देखिए ए यहां से निकला और बी अपने घर से,
ठीक है, इसके मन में कोई बात थी, ये कोई घटना करना चाह रहा था, इसने इसको कॉल करके बुलाया कि भाई साहब आप आइए। ये आते हैं, कहाँ आते हैं, इस जगह पे, इस स्पॉट पे दोनों मिलते हैं। ठीक, अब इस स्पॉट पे दोनों, ए ने उस घटना के बारे में बी से डिस्कस किया। ठीक है, अब ए ने जब इस घटना के बारे में बी से डिस्कस किया और दोनों की यहां क्या हुई, कॉमन इंटेंशन फॉर्म हुआ, इंटेंशन फॉर्म हुआ। तो ये जो यहां से ये जो एक्ट है, इस पॉइंट से लेके घटना तक क्या होंगे, ये रेलिवेंट माने जाएंगे, या रेलिवेंसी होगी, रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्स्पिरेसी, कि यहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसको रूल ऑफ एजेंसी भी बोलते हैं। रूल ऑफ एजेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एजेंसी क्रिएट हो रही है, एक ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है जो दोनों पार्टीज के बीच में क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको हम रूल ऑफ एजेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 10 आपको समझ में आ गया, ये था आपका सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 11, सेक्शन 11 बात करता है प्ली ऑफ एलिबाई की। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब अन्यत्र उपस्थिति। अन्यत्र उपस्थिति का मतलब होता है कि ए व्यक्ति, ए कहां है आज, बेंगलोर में है। ठीक है, ए बेंगलोर में है, इंसिडेंट कहां हो रहा है, दिल्ली में। कितने बजे, अभी 10 बजे, 10 o'clock पे कहां है वो, बेंगलोर में। घटना यहां 10:05 पे हुई। क्या ये बेंगलोर से दिल्ली 5 मिनट के अंदर आ सकता है किसी भी माध्यम से, इंडिया में अगर देखा जाए तो? पॉसिबली नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसका मतलब है क्या, ये एक तरह से इस फैक्ट को आउटराइटली डिस्कार्ड कर रहा है, कोई पॉसिबिलिटी छोड़ ही नहीं रहा क्या कि ये घटना हो भी सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन 11 जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है। इस घटना में किसी दूसरे इंसिडेंट का होना प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट को इम्पॉसिबल बना देता है, और जब इम्पॉसिबल बना देता है तो क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल बना देगा तो क्या माना जाएगा कि वो घटना घटित नहीं हुई है। लेकिन ये जो सेक्शन 11 है, ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव प्रोविजन है, और ये क्या कहते हैं, रेजिडुअरी फॉर्म में किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, जैसे कि जब कभी भी कोई भी फैक्ट जो कि 5 to 55 में फॉल नहीं करेंगे, तो इनको हम इंक्लूसिवली हम इनको मेंशन करते हैं। कहाँ फॉल करेंगे वो, सेक्शन 11 में उनको हम मान लेते हैं कि वो रेलिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअरी क्लॉज भी कहते हैं। ठीक, अब एक बात जो सेक्शन 11 के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एलिबाई को प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस होंगे, वो एविडेंसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, किस चीज़ की, नहीं अकरेंस होने की, मतलब उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम जब प्ली ऑफ एलिबाई की बात करते हैं ना, तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है कोर्ट के सामने। अक्यूज्ड को ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो इंसिडेंट क्या थे एग्जैक्टली, जो कि इस घटना को ना होने की पॉसिबिलिटी देते हैं, कि ये अकर हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12 बात करता है कि इन सूट्स फॉर डैमेजेस द फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट आर रेलिवेंट। चलिए सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां किस चीज की बात कर रहा है, सबसे पहले कि जब कभी भी, ऐसे समझिए, जब कभी भी कोई भी मैटर चल रहा हो, तो उस मैटर में अगर प्लेंटिफ का कैरेक्टर जो होता है वो अपने आप में ही फैक्ट इन इशू हो,
प्लेंटिफ का करेक्टर क्या हो, अपने आप में ही फैक्ट इन इशू हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्लेंटिफ का करेक्टर को डैमेज को कैलकुलेट करने में, डैमेजेस को कैलकुलेट करने में क्या होगा, रेलिवेंट माना जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि करेक्टर कब रेलिवेंट होता है, ठीक है, किसी का करेक्टर कब रेलिवेंट होता है। तो सेक्शन 52 टू सेक्शन 55 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर की, ठीक है। चलिए हम खोलते हैं एक बार सेक्शन 52 टू 55, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपको 52 क्या कह रहा है कि इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव द कंडक्ट इंप्यूटेड इररेलेवेंट। मतलब सेक्शन 52 कह रहा है सिविल केसेस कैरेक्टर होगा क्या, कैरेक्टर क्या है किसी भी तरीके का, चाहे वो बैड कैरेक्टर हो चाहे वो गुड कैरेक्टर हो, वो दोनों क्या है, इररेलेवेंट। सिविल केसेस में कैरेक्टर क्या है, वो इररेलेवेंट है, ठीक। आगे पढ़ते हैं इसमें, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर द प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इररेलेवेंट, ठीक है। किसी घटना के होने या ना होने में या उसके प्रीवियस कैरेक्टर किसी सिविल मैटर्स में क्या होंगे, इररेलेवेंट माने जाएंगे। एक्सेप्ट कब, इन सो फॉर एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट। मतलब कब, जबकि उसका कैरेक्टर 5 to 55 के किसी प्रोविजन में फॉल करता हो, ठीक है, तो वो कहीं अदरवाइज ही रेलेवेंट हो। अदरवाइज रेलेवेंट कहाँ फॉल करता है, सेक्शन 11 में, कभी रेलेवेंट अदरवाइज रेलेवेंट उसको फॉल कर सकता है सेक्शन 11 में, है ना। तो जो चीजें 5 से लेके 55 में दी हुई हैं उसमें अगर फॉल कर गया, ठीक है, स्पेसिफिकली, तब तो कैरेक्टर रेलेवेंट होगा, अदरवाइज सिविल केसेस में कभी भी कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता, ठीक है। जब जहां हम कैरेक्टर की बात करते हैं जब, तो कैरेक्टर दो चीजों को मिला के बनता है, जो कि 55 में दिया हुआ है कि दो चीजों को मिला के बनता है। पहला चीज, पहला क्या, रेपुटेशन, दूसरा, दूसरी चीज क्या है, डिस्पोजिशन, ठीक है। तो रेपुटेशन क्या होती किसी चीज की, रेपुटेशन होती है कि जब आप पर्सनल कैलिवर से, आप अपने कैलिवर से क्या करते हो, किसी ऐसे फैक्ट को, किसी ऐसे समाज में आप कुछ अचीव करते हो, एक स्ट्रेंथ को अचीव करते हो, तो क्या होगा, वो उसे क्या मानते हैं हम, कि वो जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो आपकी रेपुटेशन है, लोग आपको जानते हैं आपके उस कैरेक्टर से, ठीक है। और डिस्पोजिशन का मतलब, जब आप कोई चीज अपने फैमिली से, ठीक है, मतलब आप अपने स्टेटस से उसको डिराइव करते हो, कोई स्टेटस को डिराइव करते हो, तो वो तो होता है डिस्पोजिशन। और इन दोनों को कंक्लूसिवली हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर। तो सिविल केसेस में कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है, कब रेलेवेंट हो सकता है, जब वो किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन में फॉल कर जाए तब तो रेलेवेंट होगा। और दूसरा सेक्शन 12 में रेलेवेंट होता है जब प्लेंटिफ का करेक्टर खुद ही डैमेजेस को डिफाइन करने के लिए रेलेवेंट माना जाता है। कि प्लेंटिफ क्या था, कैसा था, वो पहले ही फ्रॉड करता था, ठीक है, कई बार फ्रॉड किया, कोर्ट उसमें जब डैमेजेस को डिफाइन करता है तब कहेगा कि ये जो प्लेंटिफ का जो करेक्टर है वो अपने आप में ही वो क्या है, अच्छा नहीं है। और अच्छा नहीं है तो डैमेजेस की मात्रा जो होगी, डैमेजेस जो कैलकुलेट किया जाएगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सिविल केसेस में कैरेक्टर जो है डायरेक्टली इररेलेवेंट होता है, लेकिन दो जगह रेलेवेंट हो सकता है, कब, वो जब वो है, या तो किसी प्रोविजन में रेलेवेंट मान लिया जाए 5 to 55 में, या दूसरा जब वो सेक्शन 12 में प्लेंटिफ के डैमेजेस को डिफाइन करने की बात होती है, किसी के डैमेजेस को कैलकुलेट करने की बात होती है। तो सेक्शन 12 केवल सिविल मैटर्स में अप्लाई होता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं सेक्शन 55 यही बात करता है कि इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच ही ऑट टू रिसीव इज रेलेवेंट।
मतलब विच ही ऑट टू रिसीव इज रेलिवेंट, अगर जो उसको मिलना चाहिए था, मतलब जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस उसको मिलना चाहिए था उस चीज़ के डिटर्मिनेशन में अगर बात हो रही है तो वहाँ कैरेक्टर रेलिवेंट मान लिया जाता है, कब, जब सेक्शन 55 में फॉल करता है। ठीक है, ये तो मामला हो गया आपका सिविल मैटर्स का। लेकिन हम आते हैं क्रिमिनल केसेस में क्या होता है। क्रिमिनल केसेस में एक तो होता है आपका गुड कैरेक्टर और दूसरा होता है आपका बैड कैरेक्टर। ठीक है, तो सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर्स में अगर हम डायरेक्टली कहें तो आपका जो गुड, आपका जो बैड कैरेक्टर है ये तो क्या होता है, आउटराइटली इररेलेवेंट होता है। ठीक है, जनरल रूल। और गुड कैरेक्टर आपका क्या हो सकता है, ये रेलिवेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको आगे आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले हम इसके लिए 53 और 54 पढ़ेंगे। ठीक है, सिविल के लिए हमने क्या पढ़ा, 52 एंड 50। सिविल के लिए हम पढ़ेंगे 52 एंड 55। ठीक, और क्रिमिनल के लिए हम पढ़ेंगे 53 एंड 54। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं इसको। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन accused इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज relevant। तो गुड कैरेक्टर क्या होगा क्रिमिनल केसेस में, relevant माना जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रोविजन पे, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट relevant। किस केस में, सेक्शन 54 में क्या कह रहा है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट relevant एक्सेप्ट इन रिप्लाई। मतलब कि कब तक नहीं होगा प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है वो नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट नहीं होगा, कब रेलिवेंट हो सकता है, इसका कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं याद रखिएगा। पहला, जब या तो वो फैक्ट इन इशू खुद से ही, वो खुद से ही फैक्ट इन इशू हो, मतलब कि जैसे प्रीवियस कन्विक्शन है उसका, उस आदमी का प्रीवियस कन्विक्शन है, अब इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट की आप उनके बात कर रहे हो, तो इन्हांसमेंट पनिशमेंट, इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट की अगर जब हम बात करेंगे तो उसका जो पहले का जो प्रीवियस कन्विक्शन रहा है वो अपने आप में ही फैक्ट इन इशू हो गया, क्योंकि अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है तो उसको इन्हांसमेंट नहीं मिल सकता, इसलिए ये फैक्ट इन इशू खुद से ही है। ठीक है, और दूसरा इन रिप्लाई, इन रिप्लाई का मतलब होता है इन रिप्लाई, जब जब क्वेश्चन को ये पूछ, ये मान लिया जाता है, ये इस चीज को समझ लिया जाता है कि कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है जो कि प्रोसीडिंग में रन कर रहा है, ये मैटर, इस मैटर में डायरेक्टली किसी के कैरेक्टर को क्वेश्चन किया जाता है कि क्या तुम बैड कैरेक्टर के हो, और यही क्वेश्चन में हो कि क्या आप बैड कैरेक्टर के हो, जैसे सपोज कि डिफेमेशन चल रहा है, किसी आदमी के लिए आपने गुड फेथ में कोई बात कह दी, और गुड फेथ में वो जो बात आपने कही वो तो गुड फेथ में रही, लेकिन वो बात जो है वो कम्प्लीटली दूसरे आदमी के कैरेक्टर को सेटिस्फाई कर रही है, अगला आदमी आके कहता है कि नहीं मैं इस तरीके के कैरेक्टर का नहीं हूँ, तब आप कह सकते हो, तब आप एविडेंसेस दे सकते हो कि नहीं आप इस कैरेक्टर के हो, ये आपके ये प्रूफ हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रेलिवेंसी एंड इररेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चलिए ये आज आज की क्लास के लिए अब सफिशिएंट है, और शायद आपको ये सारी बातें, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कल की क्लासेस के लिए, कल की भी क्लासेस की अगर टाइमिंग सेम है, ठीक है, 10 से 12, और क्लासेस, हाँ कल की टाइमिंग का क्लास, हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको 9 बजे से 11 बजे तक करते हैं, तो 9 बजे से 11 बजे तक हम आपका मिलते हैं फिर से, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप
प्लीज़ इनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए एचपी एकेडमी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ठीक है।